हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में बताऊंगा इंस्टाग्राम के बारे में जो हाल ही में एक नया अपडेट आया। जो मैंने अपडेट किया तो काफी मुझे चेंजिंग दिखने को मिला। पहले मैं ओल्ड वर्जन यूज करता था तो सिर्फ ओनली फोटो ही डाल सकता था। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा अपडेट करने के बाद किस तरह से आपको फ्यूचर दिखता है, आप किसे किस तरह से आप इसे यूज कर पाएंगे न्यू फीचर को। तो मैं आपको इस वीडियो को मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा किस तरह से आपको यूज करना है। तो ये वीडियो को पूरी देखिए, आपको पता लग जाएगा इंस्टाग्राम नई फीचर के बारे में, नई अपडेट के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले अब तो होगा टोका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज बाय से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए ऐसे ही रोजाना यूजफुल वीडियो बनाता रहो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कॉमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे पता चले मेरे वीडियो को आप लोग कितना पसंद करते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में चले जाए, प्ले स्टोर में जाने का सर्च बार में सर्च कीजिए इंस्टाग्राम, तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। इसे अपडेट करना चाहते तो अपडेट कर सकते हैं, या डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसे अपडेट करके रखा हूँ, तो इसे मैं सिंपली क्लोज कर लेता हूँ। प्ले स्टोर को क्लोज करने के लिए आइकॉन देख यहाँ पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन इंस्टाग्राम, इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के यहाँ पे देख सकते हैं ये होम स्क्रीन है। जैसे कि आपके पास अकाउंट बना हुआ है उसे आप साइनअप कर लीजिए या साइन इन कर लीजिए। तो साइन इन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, इसे किस तरह से आप लाइव जा सकते हैं, किस तरह से आप फोटो डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे देख सकते हैं योर स्टोरी, इसे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला आपको लाइव दिखने को मिल जाएगा। सबसे पहला लाइव स्टार्ट लाइव वीडियो, इसे क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली लाइव वीडियो शुरू हो जाएगा। तो आप पीछे कैमरा यूज करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैश लाइट भी है, इसे क्लिक करेंगे तो फ्लैश लाइट भी आपको जल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल आप फोटो भी खींचना चाहते हैं उससे खींच सकते हैं। तो इस तरह से आप यूज कर पाएंगे। अगर आप एक और फ्यूचर की बात करें तो यहाँ प्लस करके यहाँ पे आइकॉन होगा उसे क्लिक कर लें। क्लिक करने का आपको इस तरह से आपको इंटरफेस दिखे, जो आपके पास गैलरी में फ़ोटो है उसे चूज कर लें। चूज़ करने के बाद तो इस तरह से देख सकते हैं आप फोटो छोटा भी करना चाहते हैं, क्रॉप छोटा साइज करना चाहते, छोटा साइज भी हो जाएगा, इसे बड़ा करने के बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे एडिट का आपको करना है, यहाँ पे एडिट भी कर सकते। यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे गैलरी पे ऑप्शन में जाने के यहाँ पे कोई भी फ़ोटो आप अपना चूज़ कर लीजिए। जो भी आपके गैलरी में जाने का जो भी फ़ोटो चूज़ करने के बाद सिंपली आपको इस तरह से देखा तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट से नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ब्राइट भी बढ़ा सकते हैं, लाइट डार्क और ब्लैक कलर भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको मन में चाह उस तरह से आप कर पाएंगे। तो इस तरह से एडिट भी हो सकता है, तो यहाँ पे डो डिफिकल्ट है, इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ आपको इफेक्ट मिल जाती है, तो इस तरह से आप यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट करने के बाद आप सिंपली ये पोस्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख करके इसे शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने वीडियो पे एडिट करके आप पोस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगली फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे फोटो में जाने के बाद आप डायरेक्ट फोटो भी खींच सकते हैं। यहाँ पे बीच वाला आइकॉन होगा व्हाइट कलर का, उसे क्लिक करके होल्ड करके फ़ोटो भी खींच सकते हैं। पीछे का कैमरा आप चालू करना चाहते हो उसे फ्लैश लाइट भी ऑन करके आप उसे फ़ोटो खींच पाएंगे। तो यहाँ पे वो वीडियो भी अपलोड कर डाल सकते हैं, या आप वीडियो आपके पास मोबाइल के अंदर है वो भी अपलोड कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा लगा अपडेट करने के बाद, फ्यूचर बहुत अच्छा लगा। अगर आप इसे अपडेट कर लीजिए तो आप इस तरह से आप लाइव भी जा सकते हैं या फोटो एडिट भी कर सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन, जो अच्छा अपडेट आया जो मुझे अच्छा लगा, शायद आपको भी पसंद आएगा ये अपडेट। बताना था अपडेट के बारे में तो काफ़ी अच्छा लगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय। अगर आपको दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं।